सो हेलो गाइस, इस वीडियो में हम बताने वाले हैं आप इंस्टाग्राम पर रील्स अपनी अपलोड करते हो और उनको आप कैसे वायरल कर पाओगे। तो आज की इस वीडियो में हम आपको इसी के बारे में बताने वाले हैं। तो स्टेप बाय स्टेप आप लोग देखिए कि आप लोग अपनी रील्स को कैसे वायरल कर सकते हो। आप काफ़ी रील्स बना के अपनी वीडियो बना के थक चुके हो और वायरल नहीं हो रही है। तो आपको एक ऐसा जेन्युइन बिल्कुल तरीका बता रहे हैं जो इंस्टाग्राम में बिल्कुल अवेलेबल है और आप कर सकते हो इस तरह से। ये जो है कोई हैकिंग या कुछ ऐसे वैसी आपको ट्रिक नहीं बताने वाले, हम बिल्कुल रियल और जेन्युइन आपको बताने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पर जैसे कि आप अपनी जो भी रील्स वीडियो अपलोड करते हो तो आपको नहीं मालूम है आप किस तरह से आपको अपलोड करनी चाहिए और किस तरह से नहीं। ओके, तो इन्हीं तीन टॉपिकों के बारे में आपको हम बताएंगे। तो हमारा पहला टॉपिक जैसे कि ये है, जैसे आपको यहाँ पर रील्स में हम जाके दिखा देते हैं किस तरह से आपको। यहाँ पर देखिए हमने जैसे ये रील्स है और यहाँ पर जो देखिए काफ़ी सारी आपको रील्स मिल जाती है, इसी में से ही आप रील्स जो है रिमिक्स करके बनाते हो। ओके, लेकिन आपको ये नहीं मालूम कि अभी तक आपको ये कैसे आपको करना है। ओके, यहाँ पर जो है आपको जैसे कि आप जो गाना अच्छा लगता है उस पर बना लेते हो, लेकिन नहीं, आपको ये देखना हो कि कौन सी ट्रेंडिंग में चल रही है। तो वो कैसे आप पता लगा पाओगे, तो उसके लिए जो है यहाँ पर जो है आपको आपको इस एक ऑप्शन मिलता है यहाँ पे, जैसे कि यूज़ म्यूज़िक हो गया और एक है ट्राई रिमिक्स। ओके, तो ट्राई रिमिक्स जिस पे लिखा, तो इसका मतलब आप समझ जाइए ये जो है सॉन्ग अभी इस टाइम पे चल रहा है या फिर ये शायरी इस टाइम पे चल रही है काफ़ी सारे। तो आप जो है इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आपको इसके ऊपर थ्री डॉट पे ऊपर क्लिक करना है और रिमिक्स के ऊपर आपको क्लिक करना है, और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना होगा रिमिक्स वाले पे। और यहाँ पर जो है आप अपने जो भी आप अभी कोई अपनी रील्स बनाना चाहते हो तो आप अपनी अभी रील्स बना सकते हो, या फिर आपकी पहले से बनी रखी है तो आपको यहाँ पर नीचे की साइड में आपको मिल जाता है रील्स का ऑप्शन, रील्स सेलेक्ट का ऑप्शन। तो यहाँ से जो है आप अपनी रील्स सेलेक्ट कर पाओगे वो। ओके, तो यहाँ पे आपको जैसे कि कुछ इफ़ेक्ट या फिल्टर कुछ भी लगाने हो तो वो आप अपने लगा सकते हो। तो हम यहाँ पर जो है अभी एक इसको ले लेते हैं, और यहाँ पर लेने के बाद जो है जैसे आप अपनी जिस तरह से रील्स अपलोड करते हो तो उसी तरह से आपको यहाँ भी इस पे भी अपलोड करनी होगी। ओके, लेकिन आपको बताते हैं इसमें क्या करना है। पहले तो सेटिंग ये हो गई थी, और यहाँ पे हमने एक जैसे फ़ोटो ले लिया, यहाँ पर जो है हम इसके ऐड के ऊपर क्लिक कर देते हैं। ऐड के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर इसको हम नेक्स्ट कर देते हैं, और यहाँ पर जो है इसको नेक्स्ट करने के बाद जो है आपको जैसे इसमें कुछ एडिट करना तो एडिट कर सकते हैं, वरना नहीं आप इस पर नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। और नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो है अब आपको मेन काम करना होगा। ओके, ये हमारी दूसरी सेटिंग हो जाएगी, और यहाँ पे जो है आपको जैसे थोड़े बहुत से इस पर हैशटैग लगाने देने होंगे, जैसे इंस्टाग्राम और इंस्टाग्राम रील्स वायरल, रील्स वायरल सैड शायरी है तो सैड शायरी, और सॉन्ग है तो सॉन्ग, सैड सॉन्ग है तो सैड सॉन्ग, ऐसे इस तरह से जो है आप जो भी अच्छे अच्छे हैशटैग होते हैं उनको आप यूज़ कीजिए। और उसके बाद जो है आपको नीचे की साइड में टैग का ऑप्शन मिल जाता है। ओके, और या और आपको एक ऑप्शन मिल जाता है ऐड टॉपिक, आपका टॉपिक किस चीज़ का है। ओके, किस चीज़ की आपकी वीडियो, तो यहाँ पे आपको टॉपिक मिल जाता है। ये टॉपिक जो है आपको ज़रूर सेलेक्ट करने चाहिए, दो तीन आपको ऑप्शन मिल जाते हैं, दो तीन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। हम आपको दिखा देते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम एक दो को सेलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे हम सेलेक्ट करने के बाद जो है अब आपको इसमें टैग लगानी होगी जो भी आपके जिसको जो आपको पता है इनके ऊपर हमारी वीडियो चली तो उनको आपको टैग लगाना है। पहला तो आपका इंस्टाग्राम को लगाना है, इंस्टाग्राम के बाद आपके जैसे भी कोई फ्रेंड हो और जिनकी वीडियो चलती है उनके ऊपर आपको एक टैग लगा देना होगा। ओके, तो यहाँ पर हम जैसे शायरी डाल देते हैं। ओके, और शायरी डालने के बाद जो है हम शायरी टैग लगा देते हैं। ओके, तो शायरी फोल्डर में जो है जाके यहाँ पे जो है हमने इसको शायरी टैग लगा दिया। ओके, इतना करना है। इतना करने के बाद अब आपको कुछ नहीं करना है, जो भी होगा अब आपकी वीडियो अपने आप वायरल होने लगेगी। ओके, लेकिन हाँ गाइस, आप सोचो एक ही वीडियो से बनना आपको वायरल हो जाए तो नहीं होगी, आपको ये ऐसे ऐसे करके ही आपको अपलोड करनी है। और काफ़ी सारे आपके अच्छे न्यू और जो भी सब्सक्राइबर हैं वो अपने आप आने लगेंगे, फॉलोवर आपके बढ़ेंगे, तो यहाँ पे जो है हमारी वीडियो अपलोड होना स्टार्ट हो गई और अपलोड हो जाएगी। ओके, तो इस तरह से जो है आपको काफ़ी सारे न्यू फॉलोवर मिल जाते हैं, और न्यू फॉलोवर मिलेंगे आपकी जो भी रील्स है वो जो है ट्रेंडिंग में पहुँचेगी। आप सोचो एक ही वीडियो में पहुँच जाए तो एक वीडियो में नहीं पहुँचेगी, आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि इसमें आपको बनाते रहना है वीडियो। जैसे आप पहले बनाते थे आपको कुछ फ़ायदा नहीं होता था, लेकिन अब जो है आपको यहाँ पर फ़ायदा होगा। ओके, और दूसरा तीसरा तरीका जो है यहाँ पे जैसे नीचे की साइड में एरो दिख रहा है। ओके, इस टॉपिक के ऊपर आपको बनानी चाहिए,
इस टॉपिक के ऊपर आप वीडियो बनाओगे तो आपकी 100% वायरल होगी ज़्यादातर, क्योंकि इस टॉपिक के ऊपर देखिए इन्होंने वीडियो बनाई तो यहाँ पर देखिए जितने लोगों ने भी बनाई सबकी वीडियो चली है, थोड़ी बहुत जितनी भी चली है 10,000, 20,000, 50,000, 1,00,000 व्यूज़ जितने भी व्यूज़ आए हैं सबके में आया। ओके, तो इसको भी आपको जैसे आप अपने अपलोड करते हैं उस तरह से इसी टॉपिक के ऊपर आप अपनी वीडियो जैसे बनाना चाहते हो और वैसे ही अपनी वीडियो अपलोड कीजिए, और अपलोड करने के बाद और यहाँ पे जो है आपको जैसे अभी हमने आपको बताया था हैशटैग और टॉपिक आपको सेलेक्ट करना होता है, तो यहाँ भी आपको हैशटैग और टॉपिक सेलेक्ट करना होगा। ओके, और इतना करने के बाद जो है अपनी वीडियो को आपको अपलोड कर देना। ओके, और जैसे ही आप इसको अपलोड करोगे और अपलोड करने के बाद जो है आपकी वीडियो में जो है धीमे धीमे करके न्यू फॉलोवर भी आने लगेंगे, और फॉलोवर के साथ साथ आपके वीडियो पे व्यूज़ भी काफ़ी अच्छे आएंगे। ओके, और यहाँ पे जो है आपको इसमें और क्या करना होगा, जैसे कि आपको इसमें अच्छे अच्छे हैशटैग लगाने होंगे, और आप जो सोच रहे हो कि आपकी वीडियो एकदम वायरल होगी, एकदम बिल्कुल नहीं वायरल होती हैं किसी की भी वीडियो। आप जैसे ये हमने आपको दिखाया था कि जैसे आपकी वीडियो जो है आपने जो रिमिक्स पे बनाई है उस पर आपने बनाई और बनाते रहो, ऐसे ही बनाते रहो, तो आपकी एक ना एक वीडियो ज़रूर वायरल होगी और आपके फॉलोवर भी काफ़ी हद तक बढ़ेंगे। ओके, ये जो है बिल्कुल जेन्युइन तरीका है। आप किसी अदर ऐप पे जाओ और बढ़ाओ तो आपको आपकी आईडी भी हैक हो सकती है, आपको दिक्कत प्रॉब्लम आ जाएगी। ओके, तो यहाँ पर जो है आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पर आप एक आपको जैसे कि यहाँ पर एरो मिलता है, एरो पर आप एरो वाली वीडियो बनाओगे तो आपकी काफ़ी वीडियो जो है हद तक चलना स्टार्ट हो जाएगी। ओके, यहाँ पर जो है ओके, तो यहाँ पे इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक वीडियो मिलती रहेंगी आपको असलम क्रिएटर चैनल पर, और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। और आपको जैसे कि इसमें कुछ भी नहीं समझ में आ रहा हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। ओके गाइस, तो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।